इंशाल्लाह पूरी ताकत से जमीन पर रहकर काम करूंगा। और एक बार तो अहद कर लियो, ये टिकट का नाम फाड़ के फेंक दे, बिल्कुल फाड़ दे इंशाल्लाह। और इस बार तो इनकी ये हालत हो गई, अगली बार दोनों टिकटों की जमानत नहीं बचेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। आदमी के पास पहुंच जाऊंगा, एक एक आदमी को मैं समझा लूंगा, मना लूंगा। आप सिर्फ ये अहद कर लो कि ये छोरा हमें एक बार बिना टिकट के विधानसभा भेजना है, बस इतना अहद करके जाओ, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप अगर ये वादा मुझे देके जा रहा हो तो वो एक रत्ती भर 1% कोई गम कथा ना है, यहाँ की चुनाव हारा जीता कोई बात नहीं है, मजबूती से लड़ा आप सब, यात्रा हजार पर आप सब को हजार पर एहसान मिल रहा हूँ। और मई में ना यह इलाका की पूरी मेवाड़ की आने वाली नस्लें, इलाका का आने वाला भविष्य का वो निर्माता, वो बालक, जो छोटा छोटा सा बालक, दो दो तीन तीन साल का बालक जो उम्मीद देखते, डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे भाई साहब नाम ले लगे पुकारते थे। एक लड़की गुजरी इसमें गावड़ी गांव में, अपनी माँ से कह के गई, माँ मुख्तियार को वोट दे दो इस बार मरने से पहले, ये बच्चे हैं ये उम्मीद देखते थे, उसमें मुझे इस बात का दुख जरूर रहेगा। मैं मेरे इलाके के लोगों को समझा नहीं पाया, उन लोगों को जिन्होंने चंद पैसों में इस इलाके को बेच दिया, चंद पैसों में। मैं और आप हम सब जानते हैं हमारे गांव में रहते हैं वो लोग, हमारे मोहल्लों के ठेकेदार हैं, हमारे परिवारों के ठेकेदार हैं वो लोग, जिन चंद पैसों में जिन्होंने अपने खानदान को इस इलाके को बेच दिया। आप सब जानते हैं पैसों में बिछा बेच गए वो लोग, चंद पैसों में इस इलाके की उम्मीद को बेच दिया उन लोगों ने, इस इलाके के मुस्तकबिल को, जो बच्चे डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे तो ये कहते थे कि मुख्तियार को जिताओ, उन बच्चों की उम्मीदों को बेच दिया उन लोगों ने, बात को मुझे दुख रहेगा। लेकिन 5 साल तपस्या करेंगे, 5 साल एक एक आदमी को मनाएंगे समझाएंगे, मैं और आप मिलकर इंशाल्लाह। और 5 साल बाद फिर इन राजनीतिक पार्टियों को वापस इनकी औकात दिखाने का काम करें इंशाल्लाह। कोई भी साथी मायूस नहीं होगा ना इंशाल्लाह। मैं मेरा अल्लाह जानता है मुझे 1% इस बात का कोई गम कथा नहीं है, 1% भी। बस आप सब लोग हिम्मत से रहो, मजबूत रहो और कोशिश करो इस समाज की बेहतरी के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए, चाहे थोड़ा सा ही कर पाओ आप, चाहे थोड़ा सा ही कर पाओ, आज से और अभी से ये सोचना शुरू कर दो कि हमें हमारे इलाके की बेहतरी के लिए चाहे छोटा सा ही काम हम कर पाए, इस इलाके को बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे छोटा सा ही काम हम कर पाए, हम सबको आज से रब से शुरू करना है। मैं कोशिश करूंगा इन 5 सालों में कम से कम भी नहीं तो आपको 500,000 ऐसे नौजवान तैयार करके देने का काम बिना कलम की ताकत के मैं कोशिश करूंगा, हर रोज प्रयास करूंगा ऐसे नौजवान तैयार करने की जो अगले 5 साल बाद आपके और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिले। आप सब साथी हिम्मत से रहें, हौसले से रहें और कोशिश करें जो जिन चंद आदमियों ने इस समाज की ये दुर्दशा की है, जिनको समाज को बेचने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे लोगों को पहचान कर उनको समाज में उनकी सही जगह दिखाएं, अपने नौजवानों को, अपने बस्ती वालों को, माओ को, बहनों को समझाएं कि ये चंद आदमी चंद पैसे के लालच में समाज के साथ ऐसे गद्दारी करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक आप इनको पहचानोगे। अब सब साथी हिम्मत से रहेंगे, आपकी हिम्मत मेरी हिम्मत इंशाल्लाह। मैं भरोसा दिला रहा हूँ आपको, मुझे एक रत्ती भर कोई गमकथा नहीं है इस काम की, कोई साथी किसी भी तरह की गमकथा मत करे। मैं कार्यालय पे भी मौजूद मिलूंगा जी। और इलाके में जहाँ जहाँ मेरी जरूरत रहेगी, कोई मुझे फोन करे मत करे, कोई मुझे बुलाए मत बुलाए, मैं जहाँ जहाँ मेरी जरूरत रहेगी मैं वहाँ खुद बिना बुलाए पहुंचा रहूंगा। आप सब साथी कोशिश करें, देखते रहें कहाँ हमें आपकी जरूरत है, हमारे कॉल हमारे एक मैसेज आप तक पहुंच जाए जहां हमें आपकी जरूरत पड़े। इस लड़ाई को 5 साल मजबूती से लड़ना है इंशाल्लाह। मैं आपका भाई आपसे वादा कर रहा हूं 100% मैं अपना समय भी दूंगा, मैं अपने जान माल कुर्बान करके इस इलाके की बेहतरी के लिए और इस गांव की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ठीक है। चलो चलो।